नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश में कोरोना की चौथी लहर दस्तक देने के लिए तैयार है। कई राज्यों में कोरोना के केस एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कोरोना की रफ्तार को मात दी जा सकती है। देश में 85% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। सरकार कोरोना वॉरियर्स और 60+ को फ्री बूस्टर डोज लगवा रही है और 10 अप्रैल से पूरे देश में 18+ को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लेकिन 18+ को बूस्टर डोज फ्री में नहीं लगेगी। लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इन बूस्टर डोज को लगवा सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर के लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। इसकी बड़ी वजह बूस्टर डोज का फ्री ना होना बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने के कारण लोगों को भी बूस्टर डोज के प्रति रुझान कम हुआ है। इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। सबसे पहले आइए हम आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। इस रिपोर्ट में देखिए, सरकार की ओर से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन लोगों का रुझान इस बूस्टर डोज की तरफ कम दिख रहा है। क्या कारण है? क्या कोरोना के आंकड़े कम होने के कारण जो है बूस्टर डोज के प्रति युवाओं का और लोगों का उत्साह नहीं दिख रहा है? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे ही जान लेते हैं क्या लगता है आखिर क्यों लोगों का उत्साह बूस्टर डोज के प्रति नहीं दिख रहा है। देखिए, सरकार ने पहले जब कोरोना की स्थितियाँ थी तब बहुत व्यापक तौर पर कोरोना की वैक्सीन्स लगाने का काम किया, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें, सरकार ने भी प्राइवेट अस्पतालों और निजी अस्पतालों को दे दिया है, सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे पैसे नहीं दे पा रहे, तो एक जो कारण है वो तो यह है। दूसरा कारण ये है कि सरकार उसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है। इससे कहीं ना कहीं आमजन है, जो विद्यार्थी है, उनमें भय की स्थिति है और उन्हें अज्ञानता है, पता ही नहीं है कि कोरोना की बूस्टर डोज लगना प्रारंभ हो गई है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना की वर्तमान में स्थितियां ठीक हो गई है, इतना कोरोना के प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब कोरोना का प्रकोप नहीं है तो लोगों को लगता है कि अब कोरोना जा चुका है और उसी भय को मुक्ति होने के कारण वो बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक कारण ये भी माना जा सकता है कि ये जो बूस्टर डोज है जिसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है, ये निजी अस्पतालों में लग रही है और इसका शुल्क लिया जा रहा है। क्या लगता है शुल्क लगने के कारण क्या लोगों का उत्साह कम दिख रहा है? जरूर, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से व्यापार ठप है, जिस तरीके से पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, मजदूरी कम होती जा रही है, उस तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग बाग पैसा खर्च नहीं कर रहे। पहली प्रायोरिटी पे खुद का जो खाना पीना है इसको ले रहे, दूसरी बात 9 महीने बाद में एंटीबॉडी वापस रिन्यू करनी पड़ती है, जिसके लिए ये प्रिकॉशन डोज जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या इसको निजी अस्पतालों को देना सही रहेगा? नहीं, निजी अस्पतालों से केवल और केवल वो पैसों के चक्कर में जो लोग पहले फ्री की डोजेज ले चुके हैं, जिन लोगों ने फ्री के नाम पर लिया कि भाई हमारे को डोज मिल जाए, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने जब दवाइयां तक फ्री कर दी और सबसे पहले ये आया था कि जो डोज है वो भी यहाँ राजस्थान की प्रदेश सरकार ने फ्री की थी, तो इसी मानने को लेकर के मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी वर्ग जो इन चीज़ों के लिए पैसा खर्च करना थोड़ा कम समझता है जिस तरीके से, इसलिए इनको वापस से सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से पहले इनके डोजेज फ्री कर रहे थे उसी तरीके से करने चाहिए। साथ के साथ इसका प्रचार प्रसार वापस से उस लेवल तक होना चाहिए ताकि ये वापस लोग बूस्टर डोज लगवा सके। बिल्कुल, देखिए प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। क्या लगता है कोरोना के आंकड़े कम होने के कारण लोग अब बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, एक तो प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि बूस्टर डोज लगना प्रारंभ हो गई है। दूसरा कारण ये कि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो गया है, लोगों को लगता है कि अब कोरोना वापस नहीं आएगा और इसी कारण लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। अगर सरकार उसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करे, लोगों को ये अवेयर करे कि कोरोना अभी गया नहीं है, केवल कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग वापस अवेयर होकर और बूस्टर डोज लगवाएंगे। उन्हें बताएं कि कहाँ कौन से स्थानों पर और किस माध्यम से वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज के आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, आम लोग स्वेच्छा से जाकर बूस्टर डोज लगवा पाएंगे। इसीलिए सरकार को भी इनिशिएट लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी तक लोगों को बूस्टर डोज के बारे में जानकारी नहीं है, सरकार की ओर से किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है और ये जो बूस्टर डोज है निजी अस्पतालों में लग रही है जिसका शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई जिसके चलते बूस्टर डोज के प्रति युवाओं का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन निर्मल शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। केंद्र सरकार की ओर
तो वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है इस रिपोर्ट में, देखिए। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसे में सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि जो युवा हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। पहले ये बूस्टर डोज जो 60 वर्ष की आयु के जो लोग थे उनको लगाई जा रही थी, मगर अब राज्य सरकार ने एक नया निर्णय लिया है और निर्णय ये लिया है कि जो युवा वर्ग हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। क्या है इसके बारे में आम आदमी की राय, हम इस बारे में बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए आज कुछ स्कूली बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, ये बूस्टर डोज जो लगवाई जा रही है इसको किस तरह से देखते हैं? बूस्टर डोज हमें लगवानी चाहिए, इससे अपन की अंदर की इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छी होगी, ताकि हम जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के उससे अच्छे से फाइट कर सकें। अभी हमने वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई थी, सेकंड डोज लगवाई थी, तो बूस्टर डोज भी लगवाना इम्पोर्टेंट है, तो हमें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। और कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बूस्टर डोज लगवाएँ क्यों लगवाएं, हमने वैक्सीन लगवा ली, तो बूस्टर डोज अपना खुद का उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो भी बहुत इम्यूनिटी देगी अपन को, इसलिए बूस्टर डोज लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आम तौर पर जो लोग देखे जा रहे हैं, जिस तरह से किस तरह का अवेयरनेस है लोगों के बीच में, लोग जागरूक हैं या नहीं है, आपको किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है अब कोरोना के प्रति? बहुत से लोग तो जागरूक है, उन्हें अपनी सेफ्टी पहले चाहिए और भारत को पहले जैसा बनाना है, पहले जैसा अच्छा बनाना है, लेकिन बहुत से लोग ये भी हैं कि हमें उनके पास र्यूमर्स हैं कि वैक्सीन लगाने से ये होता है, वैक्सीन लगाने से वो होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी खुद की भलाई के लिए सोचना चाहिए। हमें भारत को पहले जैसा बनाना है तो हमें इम्यूनिटी वाली बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, हमें कोरोना से फाइट बैक करना चाहिए, जो गवर्नमेंट बोले वो हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग राय है, इस राय को किस तरह से देखते हैं बेटा? और जो युवा वर्ग है और जो स्कूल प्रशासन हुआ या राज्य सरकार हुई, जिस तरह के प्रावधान कर रही है, उससे क्या चीज़ समझ में आती है आपको? कुछ लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ नहीं देख रहे, सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं। जैसे पहले तो फ्री में लग रही थी, पर अभी हमें अमाउंट देना होता है, तो वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, वेल्थ नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, ये बच्चे हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज है वो कारगर साबित होगी और बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। बेटा, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि अब लोग कोरोना के प्रति जागरूक हैं? लोग है ना, ये सोचते हैं अब कोरोना जा चुका है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं जब ये चला गया है अब कोरोना यहाँ से, तो लोग समझ रहे हैं बूस्टर डोज लगवाना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड डोज तो हमने लगवा ही ली है, लेकिन बूस्टर डोज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यू वेरिएंट आ रहे हैं अभी भी, और अगर हम बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे तो ये न्यू वेरिएंट और जल्दी फैलेंगे, और ना हमारे इंडिया में फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इससे बचने के लिए हमें बूस्टर डोज लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये सोचते हैं कि इसे लगवाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें भी हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जिससे वो लोग भी बूस्टर डोज लगवाएं, और बूस्टर डोज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, वेल्थ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ना जो बूस्टर डोज का जो अमाउंट देना है वो हमें दे देना चाहिए, और हमें अपनी हेल्थ के बारे में पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। क्या लगता है कि लोग जो अब पैसे देकर डोज लगवाई जा रही है, इससे लोग अवेयर नहीं है, इसलिए लोग वैक्सीन केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे? इससे लोग इसके लिए नहीं पहुंच पा रहे, ताकि उनको लग रहा है कि हमें पैसे देके वैक्सीन लगवानी है तो हम क्यों लगवाएं। पहले सरकार फ्री में लगा रही थी, लेकिन हमारी हेल्थ ज़रूरी है, इसके लिए हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसके लिए हमें जाना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल, वैक्सीन केंद्रों पर लोगों को जाना चाहिए। बेटा, क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस वैक्सीन के बारे में, बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? हमें ये बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस अपन ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इससे अपन को कोविड हो सकता है, और शायद अपने अंदर इसे सिम्टम्स नहीं रहे हैं, बस अपन की वजह से वो दूसरे को स्प्रेड हो सकता है, क्या पता उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो उसको वो कोविन इफेक्ट कर जाए, इसलिए हम सभी को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, ताकि हम सब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकें और वापस से कोरोना से फाइट कर सकें। हमें कोरोना से फाइट करनी है, हमें उससे डर कर नहीं बैठना है।
बेटा परिवार में क्या देखते हो, लोग जागरूक हैं, घर पे माहौल देखने को मिलता है, लोग जैसे आपके बड़े भाई हैं, फादर हैं, क्या लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन केंद्रों पर बूस्टर डोज? हाँ, सभी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, और जिन जिन ने दो वैक्सीन पहले लगा चुके थे वो भी बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपना देश वापस पहले जैसा हो जाए, इन दो सालों में जितनी हमारी पढ़ाई इफेक्ट हुई है वो सही हो जाए वापस, और शादियाँ ढंग से होने लग जाए, और हमारा मास्क हट जाए। सब चाहते हैं हमारा पूरा देश पहले जैसा हो जाए वापस। देखो बिल्कुल, ये युवा पीढ़ी है और ये युवा पीढ़ी देश का भविष्य भी है, तो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि जो चेहरे पे जो मास्क लगा हुआ है वो धीरे धीरे हट जाए, साथ में ही शादी ब्याहों का सीजन आए क्योंकि बच्चों की अलग अलग तरह की ख्वाहिश है, और जो जिस तरह से पढ़ाई इफेक्ट हुई है बच्चों की वो ना हो। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ऐसे में सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि जो युवा हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। पहले ये बूस्टर डोज जो 60 वर्ष और अब चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है, ये रिपोर्ट देखिए। शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सी अफवाहें फैली थी, और अब बूस्टर डोज को लेकर भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि बूस्टर डोज लगाने के बाद में कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है? वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से अधिक से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लग चुकी है, और अब सरकार जो चाह रही है कि 18 साल से ऊपर वाले जो है उनको भी बूस्टर डोज लग जाए। और दो टीके लगने से ऑलरेडी जो है इम्यूनिटी बढ़ गई है हर एक आदमी के शरीर में, और थोड़ा सा डर भी कम हो गया है, और बूस्टर डोज के प्रति भी लोगों का उत्साह बहुत है, और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज भी लोग लगाएंगे। आज एक समाचार पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि बूस्टर डोज के साइड इफ़ेक्ट है, मैंने तो अभी तक किसी आदमी को नहीं देखा जिसके साइड इफ़ेक्ट है। हो सकता है कि उन आदमियों को पहले से ही या उनके शरीर में कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो हो गई हो, बाकी बूस्टर डोज से इम्यूनिटी बढ़ी है, और जो और दूसरी बीमारियां थी वो भी शायद इम्प्रूवमेंट हुई है, वो ठीक हो गई है, कम हो गई है वो। आप क्या मानते हो? बूस्टर डोज ज़रूरी भी है, मैंने भी लगा लिया था। मैं 62 ईयर का हूँ, और बूस्टर डोज लगाने के बावजूद भी मैं दिन भर काम किया और आज तक काम कर रहा हूँ, मेरे तो कोई परेशानी नहीं हुई। जब सरकार ने डोजे लगवा रही है, पत्रिका में अभी आया था एक मैसेज, इसके चार्ज भी हो रही है, उससे बीमारियां पैदा हो रही है। मैं अभी तक तो सही सलामत हूँ, अभी मेरे कुछ हुआ नहीं है, मेरे बूस्टर डोज लगे हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बूस्टर डोज के प्रति थोड़ा उत्साह कम है? उत्साह तो लोगों को बहुत ज़्यादा है, पर वो अपने लोग अब जाने में थोड़े अन्य काने काने कर रहे हैं, अब वो आलसी हो गए हैं, क्योंकि अब कोरोना खत्म हो चुका है, लोगों को ये मानना अब कोरोना नहीं है और बूस्टर डोज लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी लोगों को कुछ लग रहा है तो कुछ कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, पर आप बात पर किया आज कल सब लगवाएंगे बूस्टर डोज, तो इससे फायदे या नुकसान कुछ नहीं है, सरकार ने जो किया अच्छा किया है। बूस्टर डोज लोग लगवाएंगे, हालांकि दो डोज पहले लग चुकी है और अभी कोरोना का असर बहुत कम है, नगण्य के बराबर है, इसलिए लोगों में डर भी कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए जाने लगे हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। तो वहीं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है, इस रिपोर्ट में देखिए। बूस्टर डोज को लगाने के लिए लोग लापरवाह हो गए हैं, और युवा वर्ग जिस तरह से बूस्टर लोग लगाने में अब कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कोरोना खत्म हो गया। आप उसको लेकर किस तरह से मानते हैं? इस प्रकार से ये कोरोना का नया वायरस आया है, और एक प्रकार से फिर से जो साइंटिस्ट हैं वो संभावना बता रहे हैं कि कोरोना की चौथी वेव आ सकती है, ऐसे में कोरोना के जो बूस्टर डोजे लगवाने में लोग आनाकारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये नुकसान पैदा कर सकते हैं वापस देश को। आप क्या, आप कोरोना का बूस्टर डोज क्यों नहीं लगाना चाह रहे लोग? इसलिए है कि उससे कोई ज़्यादा मैं तो इसलिए कि उसमें जो प्रेशर है वो किसी प्रकार का प्रशासन दे नहीं रहा है, और प्रशासन खुद इतना भी कर्मचारी और लापरवाही कर रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दे रहा है। कोरोना को लेकर बूस्टर डोज क्यों नहीं लगा रहे हैं?
देखो जब कोरोना चला था तब उस समय उसकी भयानकता बहुत ज़्यादा थी, और अभी जैसे कोरोना के केसेस कम हुए तो लोग लापरवाह हो चुके हैं और कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि ये बीमारी ऐसी कि भविष्य में कभी भी आ सकती है। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बूस्टर डोज, फर्स्ट सेकेंड जो भी डोज है, वो सारी राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ज़रूर लें। बीकानेर लोगों का मानना है कि बूस्टर डोज लापरवाह के प्रति लापरवाह नहीं हो और बूस्टर डोज लगाए, अभी कोरोना का साया खत्म नहीं हुआ है और बूस्टर डोज अवश्य लगानी चाहिए। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बॉडी मेकअप